जब उसे पार्टी के बारे में पता चलेगा तो ये बहुत खुश हो जाएगी। पर इसका ठीक उल्टा हो जाता है। मटिल्डा गुस्से में मर्मरिंग यानी बड़बड़ाती हुई उस एनवेलप को टेबल पर फेंक देती है। फिर वो कहती है, मुझे नहीं जाना किसी पार्टी वार्टी में। वहां कितने अमीर लोग आएंगे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, और मेरे पास तो पार्टी में पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं है। तो हेलो यार, कैसे हो आप सब लोग। आज के हमारे चैप्टर का नाम है द नेकलेस, और हम इस चैप्टर की एनसीईआरटी की एक एक लाइन को एनिमेशन की हेल्प से बहुत इजीली मजे मजे में समझने वाले हैं। और वीडियो को एंड तक देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां तुम्हें मिल जाएगी हमारी बूस्टर पीडीएफ, जिसमें होगी शॉर्ट समरी, सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उन्हें भी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि इस चैप्टर से तुम्हारा एक भी नंबर ना कटे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से नेकलेस के लालच से एक हंसते खेलते कपल की हालत भिखारियों जैसी हो जाती है। तो चलो एनिमेशन के साथ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बिकॉज तो ये फेमस स्टोरी है एक फ्रेंच कपल के बारे में, जिसमें हस्बैंड का नाम होता है मिस्टर लॉयजल एंड वाइफ का मैडम लॉयजल। अब देखो, फ्रांस में मेल्स के नाम से पहले मिस्टर के लिए एम और फीमेल्स के नाम से पहले मैडम के लिए MME लगाते हैं, एंड उसका पूरा नाम था मैटिल्डा, मैटिल्डा लॉयजल। तो अब हम मैटिल्डा की बात करते हैं। वो एक प्रेटी एंड यंग मतलब सुंदर और जवान लेडी थी, पर उसे ऐसा लगता था कि उसकी किस्मत खराब है कि वो क्लर्क्स की फैमिली में पैदा हो गई। अब क्लर्क्स की एक नॉर्मल सी जॉब होती है जिसमें ज्यादा पैसा नहीं होता, और इसी वजह से वो लोग मिडिल क्लास हैं। उसके सारे अरमानों पर पानी फिर चुका है, और उसकी फैमिली के पास ना ही इतना पैसा है कि वो अच्छी खासी डोरी यानी दहेज देकर उसकी शादी किसी अमीर आदमी से कर दें। और मैटिल्डा ऐश ही ऐश काटे, वो अमीर हो जाए और अपने सारे सपनों को पूरा कर पाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसकी भी शादी एक नॉर्मल से क्लर्क से हो जाती है जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करता था। मैटिल्डा का मानना था कि वो सारी डेलिकेसीज और लग्जरीज यानी अमीरों वाले शौक मौज उठाने के लिए ही बॉर्न हुई है, पर वो शादी के बाद भी दुखी और परेशान रहती थी। वो सोचती थी कि वो कितनी गरीब है। वो देखती रहती थी कि उसके अपार्टमेंट में शैबी वॉल्स यानी पुरानी खराब खुरदुरी दीवारें हैं, वॉर्न चेयर्स यानी घिसी हुई कुर्सियां हैं। ये सब देखकर वो बहुत ही टॉर्चर्ड और एंग्री फील करती थी। उसकी एक फ्रेंड भी थी जो कॉन्वेंट में उसकी स्कूलमेट थी। वो इतनी रिच है कि जब भी मैटिल्डा उससे मिलने जाती है तो घर आकर रोने लगती है कि उसके पास इतना सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब एक शाम उसका हस्बैंड ऑफिस से बहुत खुश होकर लौटता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप था। उस एनवेलप में एक इनविटेशन था मिनिस्टर के रेजिडेंस से, जिसमें वो कपल 18th of January को बॉल पार्टी में इनवाइटेड थे। उस पार्टी में बहुत ही अमीर अमीर लोग आने वाले थे, और वहाँ बॉल डांस वाला प्रोग्राम भी होने वाला था। अब मिस्टर लॉयजल वो इनविटेशन लेटर अपनी वाइफ को दे देता है, और वो सोचता है कि जब इसे पार्टी के बारे में पता चलेगा तो ये बहुत खुश हो जाएगी। पर इसका ठीक उल्टा हो जाता है। मटिल्डा गुस्से में मर्मरिंग यानी बड़बड़ाती हुई उस एनवेलप को टेबल पर फेंक देती है। फिर वो कहती है, मुझे नहीं जाना किसी पार्टी वार्टी में। वहाँ कितने अमीर लोग आएंगे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, और मेरे पास तो पार्टी में पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं है। अरे परेशान मत हो, तुम्हारे पास एक ड्रेस है जो तुम मेरे साथ थिएटर पहन के जाती हो, उसे पहन लेना, वो भी तो काफी अच्छी है। नहीं, मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है, और मैं अब पार्टी में भी नहीं जाऊंगी। तुम ये इनविटेशन अपने किसी और कलीग को दे दो ना, जिसकी वाइफ के पास अच्छे कपड़े हो। अब ये सब सुन के उसका हस्बैंड बहुत दुखी हो जाता है, और वो कहता है, चलो मैं देखता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नई ड्रेस खरीदने के लिए कितना अमाउंट चाहिए? 400 francs। अब देखो, फ्रैंक्स होती है वहाँ की करेंसी। अब मिस्टर लॉयजल को ध्यान आता है कि उसे एक गन खरीदनी थी, क्योंकि उसे अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग पर जाना था। इसके लिए उसने 400 francs सेव करके रखे थे, पर अपनी वाइफ की खुशी के लिए वो वही 400 francs दे देता है कि जा ऐश कर। फिर मैटिल्डा ने ड्रेस खरीद ली, पर फिर भी वो दुखी रहती थी। तब उसके हस्बैंड ने उससे पूछा, अब क्या हुआ, तुम इतना स्ट्रेंजली क्यों बिहेव कर रही हो? मेरे पास तो ज्वेलरी भी नहीं है, मैं पार्टी में गरीब लगूंगी, इसलिए अब मैं पार्टी में जा ही नहीं रही। अरे तो तुम नेचुरल फ्लावर्स पहन लेना, वो बहुत अच्छे लगेंगे तुम पर। नहीं, वहाँ बहुत अमीर लोग आएंगे
और अगर मैं वहाँ कुछ ऐसा शेबी सा पहनकर गई तो मैं ह्यूमिलिएट हो जाऊंगी, सबके सामने मेरी कितनी बेइज्जती होगी। फिर उसका हस्बैंड बहुत जोश में आकर कहता है कि तो तुम एक काम करो, अपनी उस रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के यहाँ जाओ और उनसे एक ज्वेलरी उधार ले लो। फिर मैटिल्डा उसके घर जाती है और उसकी फ्रेंड उसे बहुत सारे नेकलेस दिखाती है। उनमें से उसे ब्लैक सेटिन बॉक्स में रखा हुआ एक डायमंड का नेकलेस पसंद आ जाता है। वो बहुत खुश हो जाती है। अब बॉल पार्टी का दिन आ जाता है और पार्टी में मैटिल्डा सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी। सारे के सारे मैन उसे नोटिस कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे और ये सब देखकर मैडम भी एकदम खिलखिला के खुश हो जाती हैं। उनका मकसद जो पूरा हो गया था। बाद में मिस्टर लॉइजल अपने तीन दोस्तों के साथ सैलों में सो जाते हैं और सबकी वाइफ्स सुबह 4 बजे तक पार्टी करती हैं और फिर पार्टी खत्म हो जाती है और मैटिल्डा बाहर आ जाती है। उसका हस्बैंड उसके शोल्डर्स पर एक मोडेस्ट रैप मतलब सिंपल सा शॉल डाल देता है जो उसकी सुंदर ड्रेस का मजा किरकिरा कर रहा था। उस रैप से उसकी बेइज्जती ना हो इसलिए वो जल्दी से वहां से 9:45 हो जाती है। उसका हस्बैंड उससे कहता है कि हम एक कैब बुक कर लेते हैं पर वो उसकी नहीं सुनती। बाद में वो वहां कैरेज यानी घोड़ा गाड़ी का वेट करते हैं। अब बहुत देर बाद वहां एक कैरेज आता है और उससे वो घर पहुंच जाते हैं। घर पे मैटिल्डा जैसे ही अपना रैप उतारती है तो वो देखती है कि उसका वो नेकलेस उसकी गर्दन पे नहीं था। वो चिल्लाती है। फिर उसका हस्बैंड आता है और पूछता है क्या हुआ, ये क्या हो गया, मेरा नेकलेस नहीं मिल रहा। क्या तुम्हारे पास वो नेकलेस था जब तुम मिनिस्टर के रेजिडेंस से निकली थी? हाँ, तब तो मुझे वो फील हो रहा था। अच्छा, इसका मतलब कि नेकलेस हमारे वहाँ से निकलने के बाद स्ट्रीट में भी नहीं गिरा होगा। मेरे ख्याल से वो कैब में गिरा होगा। अच्छा, क्या तुमने कैब का नंबर नोट किया था? नहीं नहीं, चलो मैं बाहर जाकर नेकलेस ढूंढता हूँ। फिर मिस्टर लॉइजल निकल पड़ते हैं नेकलेस की तलाश में। वो पूरे रास्ते चेक करते रहते हैं कि नेकलेस कहाँ गिर गया। उन्हें काफी टेंशन थी क्योंकि वो डायमंड नेकलेस बहुत महंगा था। नेकलेस ढूंढते ढूंढते सुबह के 7 बज जाते हैं और मिस्टर लॉइजल को कुछ भी नहीं मिलता एंड वो वापस घर आ जाते हैं। फिर वो दोनों लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, देन कैब ऑफिसर्स के पास जाते हैं और वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी निकलवा देते हैं कि जो भी उन्हें वो नेकलेस लाके देगा उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। फिर उसका हस्बैंड उसे आइडिया देता है कि सुनो, तुम अब एक काम करो, अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखो और उसमें लिखो कि उसके नेकलेस का क्लैस्प मतलब हुक टूट गया है और हम उसको रिपेयर करा के लौटा देंगे। और फिर मैटिल्डा ऐसा ही लेटर लिख देती है। पूरे 1 हफ्ते तक ढूंढने पर भी नेकलेस नहीं मिला। अब उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थी, इसलिए अब वो दोनों पैलेस रॉयल नाम की एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। वहां उन्हें हूबहू एक वैसा ही डायमंड नेकलेस मिल जाता है जैसा उन्हें मैडम फॉरेस्टियर ने दिया था, पर बहुत महंगा। 1-2,000 का नहीं बल्कि पूरे के पूरे 40,000 फ्रैंक्स का, पर ऑफर वगैरह लगा के बाद में वो उन्हें 36,000 फ्रैंक्स का पड़ जाता है। अब मिस्टर लॉइजल के फादर उनके लिए 18,000 फ्रैंक्स छोड़ गए थे पर उन्हें और भी पैसे चाहिए थे, तो बाकी के पैसों का जुगाड़ करने के लिए वो मनी लेंडर्स के पास गए। उसके बाद बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स पर लोन लेकर वो नेकलेस खरीद लेते हैं और फिर मैटिल्डा अपनी फ्रेंड के पास जाकर वो नेकलेस दे देती है। उसकी फ्रेंड बोलती है हे, तुम इतने टाइम से कहाँ थी, तुम्हें ये नेकलेस मुझे पहले ही दे देना चाहिए था, मुझे इसकी जरूरत भी पड़ सकती थी। और फिर फॉरेस्टियर बॉक्स खोले बिना ही मैटिल्डा से ले लेती है। अब मैडम फॉरेस्टियर घर आ जाती हैं और अब इनकी जिंदगी में बवाल मच जाता है। अब उन्हें इतना बड़ा कर्ज चुकाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी मेड मतलब नौकरानी को ही हटा दिया और उन पर अपने अपार्टमेंट का रेंट भी नहीं दिया जा रहा था क्योंकि उन्हें वो भी महंगा लग रहा था, तो वो अब एक छोटे से सस्ते से कमरे में रहने लग जाते हैं
जिसका रेंट काफी कम था। मैटिल्डा अब सारे काम खुद ही करती थी, जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, एटसेट्रा एटसेट्रा। एकदम कमर तोड़ मेहनत कर रही थी बेचारी। साथ ही साथ सारे मार्केट के काम, जैसे ग्रोसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह लाना, सब खुद ही करती थी। और वो मार्केट में भी एक एक पैसा बचाने के लिए शॉपकीपर से बार्गेनिंग करती थी। उसका हस्बैंड भी नॉर्मल वर्क के अलावा ऑफिस में ओवर टाइम वर्क करता था। यहाँ तक कि रात को भी वो 5 रुपए पर पेज के हिसाब से कॉपी वर्क करता था। ऐसे दिन रात काम करते करते 10 साल बीत जाते हैं। 10 years later, अब मैटिल्डा एक स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन बन चुकी है। अब वो यंग एंड ब्यूटीफुल नहीं रही है। अब वो दिखने में बहुत ही गरीब सी लगती है और उसके सारे बाल बिखरे रहते हैं। अब वो तेज तेज आवाज में बोलती है, मतलब वो एकदम बदल गई है। एक बार संडे को एक स्ट्रीट में मैटिल्डा को अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर मिलती है, जो कि आज भी काफी ब्यूटीफुल, यंग एंड अट्रैक्टिव है। वो उससे मिलने के बारे में सोचती है। वो उसे गुड मॉर्निंग बोलकर ग्रीट करती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे नहीं पहचान पाती क्योंकि उसका रूप एकदम बदल चुका था। फिर वो कहती है, हे, आई एम मैटिल्डा लॉइजल। क्या कहा तुमने? ओ मेरी भोली मैटिल्डा, ये तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, मैंने बहुत बुरा टाइम काटा है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्या कह रही हो तुम? रुको, क्या तुमको वो डायमंड नेकलेस याद है जो मैंने तुमसे 10 साल पहले एक बॉल पार्टी के लिए बोरो किया था? हाँ, मुझे याद है। पार्टी के बाद वो नेकलेस खो गया था। हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करी पर नहीं मिला, और फिर हमने ज्वेलरी शॉप से 36,000 francs में सेम टू सेम उसके जैसा एक और डायमंड नेकलेस लेकर तुमको लौटाया था। क्या बोल रही हो तुम? क्या तुमने मुझे एक रियल डायमंड नेकलेस दिया था? हाँ, ऑफ कोर्स। अब मैडम फॉरेस्टियर मैटिल्डा के हाथ पकड़ लेती है और एक दिल दहला देने वाली बात बताती है। अरे, वो नेकलेस कोई रियल डायमंड्स का नहीं था, वो तो एक आर्टिफिशियल नेकलेस था जो ज्यादा से ज्यादा 500 francs का होगा। मैटिल्डा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। She was like, ओ भाई, मारो मुझे, मारो, मारो मुझे, मारो, मारो। और इसी के साथ हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। अब अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, और ADB को सब्सक्राइब कर लो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज लाता रहूंगा। और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। एंड हाँ, बूस्टर PDF को प्रैक्टिस करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।